हाय गाइस, आज मैं जा रहा हूँ जंगल में। थोड़ा सा रिमोट एरिया है, सुना है वहाँ पे चमगादड़ का इलाका है, लाखों चमगादड़ रहते हैं एक ही इलाके में। मैं और मेरे कुछ भाई बहन हम लोग जा रहे हैं उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, और वहाँ पे अकेला जाना भी मना है, ऐसा लोग मना किए आसपास के लोकलिटी में। बाय द वे, यह जगह वेस्ट बंगाल में है। चलिए देखते हैं। और गाइस देखिए, मुझे यहाँ पे क्या मिला, यहाँ जंगल के बीच एक मंदिर मिला है। चलिए देखते हैं अंदर क्या है, कौन से भगवान का मंदिर है ये। लोकल लोगों से बात किए हम लोग, पता चला है कि ये विशालाक्षी देवी का मंदिर है, और ये मंदिर करीब बहुत ही पुराना है। लोग कह रहे हैं ब्रिटिश के टाइम से ये मंदिर है, और यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स आते थे शेल्टर लेने के लिए। ठीक है, चलिए। और एक बात भी पता चला हम लोग को कि ये मंदिर 2 ही बार ओपन होता है दिन में, और बाकी टाइम ये बंद ही रहता है, तो हम लोग अंदर देवी माँ की दर्शन नहीं कर पाए। शायद बाद में ये मंदिर खुलेगा, उस टाइम पर अगर लौटने का टाइम मिला तो हम दिखाएंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग अंदर चलते हैं जंगल में, जहाँ चमगादड़ मिलेंगे। यहाँ पे तो और एक मंदिर है, यह तो बहुत ही पुराना मंदिर दिख रहा है, ये पूरा बहुत ही पुराना है। और यहाँ पे देखिए, एक पेड़ के बीचों बीच एक शिवलिंग है, ये तो बहुत ही अनोखा, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा है, शायद ये बहुत ही रेयर है। आप लोगों ने भी ऐसा देखा है कि नहीं पता नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों ने क्या ऐसा कभी देखा है, मेरे लिए तो ये पहली बार है। गाइस, मुझे तो कुछ आवाज़ सुनाई दे रहा है, लगता है यह चमगादड़ों की ही आवाज़ है, और ऊपर तो दिख भी रहे हैं एक दो चमगादड़। चलिए अंदर देखते हैं, और शायद ज़्यादा दिख जाए अंदर जाने से। और पता है गाइस, हम लोग जितना अंदर जा रहे हैं इतने बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ पे, अंधेरा भी बढ़ रहा है, पेड़ इतने बड़े हैं कि अंधेरा बन रहा है, और लगता है इसी अंधेरे में बैठ रहना पसंद करते हैं। और आप लोग जस्ट एक आवाज़ को सुनिए, हम लोग जैसे अंदर आ रहे हैं, शायद उन्हें हमें अंदर आते हुए पसंद नहीं हो रहा है, या पता नहीं, बहुत ही चिल्ला रहे हैं, अपने पंख झपट रहे हैं, और आवाज़ बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं। मुझे तो थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है, आप लोग आँखों को बंद कीजिए और इस आवाज़ को फील कीजिएगा, ये बहुत ही डरावना लग रहा है मुझे। लेकिन लोकल लोग कहते हैं कि डरने की बात नहीं, ये किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते, और ये खून पीने वाले भी चमगादड़ नहीं है, खाली ये शाम के वक्त में निकल जाते हैं फल खाने के लिए। जैसे ही रात हो जाएगी ये लोग निकल जाएंगे फल खाने, और जैसे ही एकदम सवेरे अर्ली मॉर्निंग ये लोग लौट आते हैं। लेकिन गाइस, ये तो बहुत ही बड़े बड़े चमगादड़ है, मैं यहाँ पर ब्राइटनेस बहुत ही कम है क्योंकि बहुत ही पेड़ से अंधेरा हुआ है, तो मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा रही हूँ ताकि आप लोगों को व्यू अच्छे से मिल पाए इस जगह की। और गाइस, यहाँ पे अंधेरा होने लगी है धीरे धीरे, सूरज भी ढलने लगा है। जैसे ही सूरज ढलने लगते ये लोग ज़्यादा एक्टिविटीज करने लग रहे हैं, ये लोग एक्टिव हो गए हैं, लगता है ये लोग शिकार में जाने के लिए रेडी हो रहे हैं।
और ये सभी एक साथ निकलते हैं। जैसे ही अंधेरा हो जाएगा ये लोग भी चलेंगे, और जैसे कि अंधेरा होने लगा है मुझे लगता है हम लोगों को भी यहाँ से अभी धीरे धीरे लौटना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत ही अंदर आ चुके हैं जंगल में, और कोई मुसीबत ना हो जाए। मेरे भाई बहन भी हैं साथ में, सबको लेट के लौटना पड़ेगा। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और भी एक्साइटिंग नेचर से रिलेटेड वीडियोस के लिए। और मुझे भी बताइए अगर आप लोगों ने भी कभी ऐसे इलाके देखे हैं कहीं पे, तो कमेंट सेक्शन में बताइए। यहाँ पे ब्राइटनेस बहुत ही कम था, मुझे लगता है अंधेरा होने के लिए अच्छे से नहीं दिखेगा, इसलिए मैंने कुछ फ़ोटोज़ लिए हैं जो मैं वीडियो में डाल दूँगा ताकि आप लोग अच्छे से देख पाए, क्लोज लुक ले पाए बैठकर। गाइस ये जो तालाब दिख रहा है यहाँ पे आसपास कुछ तालाब हैं, हम लोग गए थे तालाब के उस पार जहाँ पे चमगादड़ रहते हैं, और अभी हम लोग धीरे धीरे लौट रहे हैं। लौटते वक्त गाइस मैं मंदिर के पास से आई, लेकिन वहाँ पे अभी तक कोई नहीं आया पूजा करने के लिए, लगता है पता नहीं अभी कोई आएगा कि नहीं, क्योंकि अंधेरा हो रहा है, तो इसीलिए मैंने वेट नहीं किया। हम लोग का आगे बढ़ रहे हैं घर की तरफ, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।